हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है स्पर्श और आप देख रहे हैं ब्लॉगर स्पर्श यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मेलानी जंक्शन की अपडेट दीजिए, तो सो फाइनली आप सभी के लिए मेलानी जंक्शन की अपडेट आज की इस वीडियो में। और ये अपडेट हमें भेजी है हिमांशु भाई ने मेलानी जंक्शन से, तो हिमांशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जानते हैं क्या वर्क रिलेटेड अपडेट निकल के आ रही है और साथ ही साथ ट्रेन संचालन को लेकर क्या क्या बातें खुल के सामने आ रही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वर्क की, तो सामने आप देख सकते हैं टीन शर्ट का वर्क प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 पर काफ़ी तेज़ी से होने लगा है। जो उसके मॉडल बनते हैं, मॉडल बना लिए गए हैं, स्ट्रक्चर बना लिया गया है और उम्मीद है 1 से 1.5 महीने में यहाँ पर शेल्टर्स का भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा सामने देख सकते हैं मीटर गेज की हमारी कोचेस खड़ी हुई हैं। और अगर हम बात करें वर्क की, तो सामने जो हमारा फुटओवर ब्रिज है उस पर फ्लोरिंग का वर्क स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट लेयर कर दी गई है। उसके अलावा शेल्टर्स का वर्क बचा है, साथ ही साथ जो स्टेशन की बिल्डिंग है ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। स्टेशन की जो बिल्डिंग है ये अभी पेंट कर दी गई है, पहले से ही पूरी बिल्डिंग पेंट हो चुकी है। साथ ही साथ जो हमारा फ्लोरिंग का वर्क है स्टेशन प्लेटफॉर्म का, वो भी बचा हुआ है। प्लेटफॉर्म पे भी देखिए कि बजड़ी आ चुकी है और यहाँ पे प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग का वर्क चल रहा है। फिर यहाँ पर भी टाइल्स लगाए जाएंगे, उसके बाद ये भी वर्क कम्प्लीट हो जाएगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सामने पेंटिंग का वर्क यार स्टेशन का काफ़ी जल्दी से हो गया। अब हम थोड़ा चलते हैं फ्रेंड्स आउटर की तरफ, जहाँ पे जैसा कि पता है कि इसमें अंडरपास का काफ़ी चर्चे में चल रहा है वर्क जो कि मेलानी जंक्शन में हो रहा है। तो देखते हैं आउटर पर थोड़ा सा चल के अंडरपास का वर्क। सामने देख लीजिए टाइल सब रखे हुए हैं, ये सब अभी फ्लोरिंग के यहाँ पे लगाए जाएंगे। और हम चलते हैं थोड़ा सा आउटर की तरफ, देखते हैं क्या निकल के आ रही खबरें वहाँ से। तो ये देखिए, अगर हम थोड़ा सा आउटर की तरफ अगर हम आएँ तो आप सामने देख सकते हैं ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए अंडरपास का वर्क यहाँ पर चल रहा है। ये है क्रॉसिंग, मेलानी जंक्शन की आउटर क्रॉसिंग। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये सामने देख सकते हैं नई जो ब्रॉडगेज की लाइन पड़ी है, ये वो लाइन है जहाँ पर स्लीपर्स थोड़े पड़े हैं, थोड़े नहीं पड़े हैं। और इस साइड में आप देख सकते हैं मीटर गेज की लाइन। सो आपको अगर इसके बाद थोड़ा सा मैं बताऊँ तो मीटर गेज की लाइन जैसे कि रेगुलरली चलती रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक लाइन मीटर गेज की कर दीजिए और इस साइड में ब्रॉडगेज कन्वर्जन का जो वर्क चल रहा है वो सामने देख सकते हैं। मीटर गेज की थोड़ी लाइन पड़ी भी हुई तो इसको भी निकाल दिया जाएगा और यहाँ पर पूरी सीधी लाइन ब्रॉडगेज की कर दी जाएगी। तो अभी यहाँ पर पूरा अगर कहें हम ट्रैक बन चुका है, तो पूरा ट्रैक अभी नहीं बना हुआ है, काफ़ी टाइम लगने वाला है। और ये देखिए सिर्फ अभी स्लीपर्स थोड़े लगे हुए हैं, पूरे सिर्फ ट्रैक की एक लेयर जो ट्रैक पड़ता है खाली वही डाला गया है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिफिकेशन ब्लॉकिंग होने लगी है। साथ ही साथ अंडरपास की अब बात करते हैं, तो अंडरपास का फ्रेंड्स आज है 18 जून, आज 18 जून को होने वाला है मेगा ब्लॉक 6 घंटे का, जिसके तहत 17 स्लैब अभी बचे हैं लगाने के लिए। स्लैब रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप 17 स्लैब अभी बचे हुए हैं, 17 स्लैब लगाए जाएंगे। और ये स्लैब आज 6 घंटे का मेगा ब्लॉक RVNL को दिया गया है, 6 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा वर्क कंप्लीट करना है। तो उसकी भी अपडेट जल्दी आपको मिल जाएगी कि देखते हैं कल या परसों में कितना वर्क 6 घंटे के अंदर क्या RVNL कर पाती है। साथ ही साथ देख लीजिए ट्रैक का वर्क यहाँ पर, वेल्डिंग का वर्क ट्रैक का पूरा है। सो फ्रेंड्स, अब हमने आपको सारी वर्क रिलेटेड अपडेट बता दी है। अब हम बात करेंगे आपसे ट्रेन संचालन की, बातें क्या खुल के आ रही हैं सामने। देखिए 31 मई डेट दी गई थी, डेडलाइन दी गई थी RVNL को कि 31 मई के अंदर अंदर सारा वर्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद डेट एक्सटेंड कर दी गई, 15 जून कर दी गई। अब आज हो चुका है 18 जून, अभी तक आप देख सकते हैं क्या पोजीशन है वर्क की। तो आप मान सकते हैं, अंदाजा आपको लग गया होगा कि अभी कितना महीना लगने वाले हैं वर्क कम्प्लीट होने में। उसके बाद आज फिर से एक मेगा ब्लॉक का RVNL को दिया गया कि हाँ 6 घंटे का, आज 18 मार्च है, 6 घंटे का मेगा ब्लॉक के लिए RVNL को कहा गया कि RVNL 6 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरा अंडरपास का जितना भी वर्क बचा है 17 स्लैब अभी लगाने बाकी रह गए, 17 स्लैब आज हर हालत में 6 घंटे के अंदर अंदर लगाने हैं। तो देखना होगा कि कितना इसमें बढ़ोतरी होती है, कितना कैसे क्या होता है, कितना ये लोग कम्प्लीटली वर्क कर पाते हैं। तो ये तो आपको कल तक पता ही चल जाएगा, जब आज पूरा वर्क जो आज 6 घंटे का मेगा ब्लॉक दिया गया है उसके बाद पता चल जाएगा कैसे क्या होता है, कितना वर्क कम्प्लीट हो पाता है। और बाकी अगर हम प्लेटफॉर्म या स्टेशन की बात करें तो स्टेशन पर देख लीजिए काफ़ी वो बचा हुआ है अभी। एक एक करके अगर गिनती हम करें, मेन अगर चीज़ें गिनती करें तो प्लेटफॉर्म की फ्लोरिंग तीनों प्लेटफॉर्म पर, शेड के शेल्टर्स 2 और फुटओवर ब्रिज के शेल्टर्स 3 उसकी फ्लोरिंग, साथ ही साथ जो हमारा टिकट काउंटर वो सब जो छोटा मोटा काम है वो तो 4 हो गया, मतलब 5-6 चीज़ें अभी बची हूँ बड़ी बड़ी। तो इन सब में जैसा कि लखीमपुर में जितना टाइम लगा है, तो आप मान लीजिए अगस्त सितंबर से पहले कोई भी ऐसी आपको सूचना नहीं मिलेगी कि ट्रेन संचालन को लेकर। देखिए काफ़ी सारे मिथ्स हैं हमारे पब्लिक के अंदर, कि अभी जैसा कि अभी 3-4 दिनों से मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि सब लोग यही, सबको किसी को लग रहा है कि हाँ भाई अब सीधे मेलानी से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा,
किसी को लग रहा है गोला से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, किसी को लग रहा है लखीमपुर से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। लेकिन आप सबको मैं क्लियर कर दूँ फिर से एक बार, अब सीधे लखीमपुर से ही ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, जो कि जुलाई के फर्स्ट या जून के लास्ट वीक में शुरू होने की उम्मीदें हैं, जून के लास्ट वीक से जुलाई के फर्स्ट वीक के बीच में। साथ ही साथ जो हमारी गोला की बात अगर हम करें तो गोला में सावन महीने से पहले ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, क्योंकि उससे रेलवे को आप समझ सकते हैं। उसके अलावा मैलानी की अगर हम बात करें तो मैलानी अगस्त सितंबर अक्टूबर इससे पहले कोई उम्मीद मत रखिए, अगस्त से तो पहले उम्मीद रखे ही ना कि मैलानी का वर्क कंप्लीट हो पाएगा फाइनली। सो फ्रेंड्स, आज की अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ भी इसमें अपडेट मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए आगे ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।